हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टिच टू फिट। और आज हम बनाएंगे लंबी बाजू, ठीक है। और ये है उसका नाप, ठीक है। 17 हमारी लेंथ है, और गुलाई जो है उसकी मोरी की नीचे से वो 5 है, और जो हमारा मुंडे की गुलाई है वो है 10.25, ठीक है जी। तो ये देखो, ये मेरे सूट का ना ये कपड़ा ये मैंने निकाला है बाजू के लिए। तो पहले मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ, ऐसे ये देखो, ठीक है जी। ये इतना कपड़ा है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, अब ये जो फूल हैं ये बीच में लाने हैं, ठीक है जी। तो इसको सबसे पहले मैं इसको काट के अलग करके फिर आपको दिखाती हूँ आगे। तो ये देखो, ये मेरे पास कपड़ा है, ठीक है। हमारे पास इतना पूरा जितना ये दोनों तरफ की करनी है, इसको हम लोग ऐसे इकट्ठी दोनों बाजू काटेंगे हम लोग। तो ये देखो, इसको हम आपने सबसे पहले हाफ करना है, ऐसे हाफ कर लिया। और इसमें ना प्रेस जरूर मारनी है आपने, ठीक है। प्रेस मार के कपड़ा जो है, जो आड़ा टेढ़ा कुछ भी होगा फर्क, तो वो इससे सीधा हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको एक फोल्ड कर दिया, अब एक फोल्ड आपने और करना है, ठीक है। ये हो गई हमारी 2 बाजू, ठीक है जी। और ये 4 तय हैं, 2 ये और 2 ये, ठीक है जी। अब हम लोग मार्क करेंगे जो जिसके हिसाब से हमने इसको काटना है। पहले इसको क्रीज लगा के बिठा लेते हैं। जैसे नए अगर कोई काटता है कपड़ा कोई भी, तो आप इसमें क्रीज बना के अगर ऐसे मतलब कपड़ा प्रेस करके आप करोगे तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है जी। ये बाजू 16 है, ठीक है। हम 16 के हिसाब से कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर और मैं ये अटैच करूँगी, इसके जो फूल से ये मैं ऊपर से ऐसे लगाऊँगी मोरी में, ठीक है जी। तो इसको तो बाद में, अब इधर से हमने 1/2 इंच छोड़ देना है, ये सिलाई में जाएगा, ठीक है जी। और ये देखो, ये 16.5 आ रहा है हमारा, थोड़ा सा ये यहाँ से हो रहा है कम, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ये 16.5 पे हम लोग इसको निशान लगा देंगे, ये 16.5 पे लगा लिया हमने, ठीक है। और बड़ों की जैसे हम लोग बाजू काटते हैं तो उसमें 3.5, ठीक है, 3.5 नीचे को डाउन करेंगे। और इधर भी सेम वैसे ही निशान लगाएंगे हमारा, तो इसको भी हम लोग 17 के हिसाब से, ठीक है जी। ये 3.5, अब इसको हम लोग मिला देंगे पुट्टे से, स्ट्रेट पुट्टे से, सीधे वाले से हम इसको मिला देंगे, ठीक है जी। और नीचे से भी हम लोग लाइन लगा देंगे ये, ठीक है। आपने ऐसे इसको सीधे कर लेना है, फिर आपको ना कोई परेशानी नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब बाजू रख दिए हमने, ये देखो, ये हमने 5 मोरी रख दी, ठीक है जी। और आप अपने हिसाब से ज़्यादा 1.5 या 2 इंच मार्जिन दे दिया, ये 2 इंच मैंने दे दिया मार्जिन, ठीक है जी। अब ये हमारे ये देखना है हमने, हमारे मुंडे की जो गोलाई है वो कितनी है, 10.25। तो इसको हम लोग रखेंगे 9 इंच, देखिए ऐसे। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि यहाँ से हम लोग रखेंगे 9 इंच पे, ठीक है जी। और ये आगे हमारा 1.5 इंच मार्जिन बच गया। अब इसको मैं दूंगी गुलाई, कैसे, हल्के हल्के हाथों से आपने ऐसे ऐसे, ठीक है जी। और इसको आपने ना एक बारी नाप के देख लेना है ऐसे, ये देखो कि आपकी बाजू पूरी, ये देखो पूरी 10.25 हो रही है। और इसको आपने ऐसे मिला देना है, ठीक है जी। ये यहाँ से, ठीक है, और इसको आपने रखना है ऐसे, ठीक है जी। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ, ठीक है। ये बाजू हमारी कट के इसको ऐसे,
ठीक है जी। आपने इसको ऐसे ही जैसे मैंने लाइन लगाई है ऐसे कटिंग कर देनी, ठीक है। बीच में सेंटर वाले में भी आपने टक मार लेना है, यहाँ पर इसको कट कर देना है ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पर भी आपने कट मार लेना है, ये देखो दोनों पे और यहाँ पर भी, ठीक है जी। ये इस तरफ का इतना हमने फोल्ड करना है जैसे ऊपर से या जैसे भी आपने लगाना है इसको, ये ठीक है जी। ये हो गया हमारा बाजू की कटिंग। ये बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको बताई है, और अगर आपको जैसे समझ में नहीं आता है तो ये जैसे मैंने ये नापा था ना, आपने ऐसे नाप के देख लेना है कि हमारी बाजू पूरी आ रही है या नहीं, ठीक है जी। ये हो गया, और बीच में हम लोग इसको कटिंग करके बाद में ये ऐसे इसके फूल आपने हाफ कर लेने हैं, जैसे भी आपका डिज़ाइन हो। मेरे तो इसमें ऐसे है डिज़ाइन, ये देखो। अब मैं ये दो दो फूल लेके ऐसे और ये ऐसे, ठीक है जी। ये इसको मैं ऐसे उतार के यहाँ से कटिंग करके इधर लगा दूँगी, ठीक है। वो भी मैं कर देती हूँ साथ के साथ, आपको दिखा देती हूँ कि आपने कैसे। ये देखो मैंने दो दो फूलों का मैचिंग बनाया है, इसमें दो फूल ये दो फूल ये, ठीक है जी, दोनों बाजू के लिए, ठीक है जी। तो इसको आपने ऐसे इधर से भी दोनों तरफ से आप इसको बराबर कर लें ताकि आपको लगाते टाइम कोई परेशानी ना हो। और ये हमारे दो बाजुओं के लिए, ये देखो ये। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।